Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha Bal Vaidyanik Competition इस exam के लिए preparation कर रहे हैं. आपने देखा है channel पर इस exam के previous years के question paper से लिए हुए बहुत सारे MCQs अब तक मैंने solve करके दिखाए हुए हैं. Channel पर आपको चारों option का explanation मिल जाता है ताकि वो पूरी concept हमारी clear हो जाती है. इसके अलावा अभी ये जो लास्ट स्टेज है हमारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, इसमें आपको अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए तो मैं ये प्रोवाइड करा सकती हूँ. इसमें 4 मेगा टेस्ट भी इंक्लूडेड है जो पूरे सिलेबस पर बेस्ड है. इसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है. इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, आपको मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकती हूँ. आइए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पेपर 2023 से लिया हुआ ये क्वेश्चन है. ये जो इमेज है, ये इमेज मेनका पब्लिकेशन की ऑफिशियल जो बुक है हमारी, उसमें से ली गई है. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, विच पोल्स विल डेवलप एट पॉइंट पी एंड क्यू इफ वी यूज मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन शोन इन द फिगर. यहाँ पर आयन बार है पी क्यू और इसके ऊपर ये दो मैग्नेट्स रब किए जा रहे हैं. ये एरो जिस साइड से दिखाए हुए हैं उस तरीके से ये मैग्नेट्स रब किए जाएंगे ऑन दिस आयन बार. क्वेश्चन इज आस्किंग विच पोल्स विल बी क्रिएटेड एट पी एंड क्यू एंड डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन साउथ नॉर्थ एंड ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ साउथ एंड नॉर्थ. So the question is based on this principle of preparation of artificial magnet. यहाँ पर we have to take one nail and we have to rub the magnet on it 7 to 8 times. When we use single touch method, एक magnet अगर use करते हो तो जो pole आप यहाँ पर घिस रहे हो, जो pole rub कर रहे हो, वही pole इस नेल के ऊपर तैयार हो जाता है. ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं. अगर नॉर्थ पोल रब किया जा रहा है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल ही क्रिएट होता है एंड दिस इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये टेम्पररी होता है एंड यू कैन ऑब्जर्व द मैग्नेटिक मटेरियल गेट स्टिक टू दिस पोल. एज इन केस ऑफ डबल टच मेथड अपोजिट पोल्स आर क्रिएटेड. मतलब यहाँ पर अगर साउथ पोल इज गेटिंग रब्ड देन एट पोजिशन पी नॉर्थ पोल विल गेट क्रिएटेड. वेयर एज यू आर रबिंग नॉर्थ पोल ऑन दिस साइड सो साउथ पोल विल गेट क्रिएटेड एट पोजिशन क्यू व्हेन देयर इज अ डबल टच मेथड. दो मैग्नेट है ना यहाँ पर, उसकी बात कर रही हूँ. यहाँ पर एक मैग्नेट है, राइट? समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो इस तरीके से आंसर बनता है ऑप्शन बी. पी के यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और क्यू के यहाँ साउथ पोल क्रिएट होगा. समझ में आया? चलिए तो इसी तरीके से सॉल्व एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ और भी. चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस ये जो स्टेज है हमारी एंड की उसमें जरूर रखिए. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.